विधायकों के लिए प्रचार करने 8 तारीख को महाराष्ट्र आएंगे पीएम मोदी। 14 नवंबर तक राज्य में कई सभाएं और रैलियां, स्टार प्रचारकों का लगेगा तांता। अगर योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। मुंबई पुलिस को आया था धमकी भरा मैसेज। मुंबई में सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला फातिमा हिरासत में। फातिमा मानसिक तौर पर अस्थिर, होगा मेडिकल चेक। दिवाली हॉलीडेज को देखते हुए रेलवे ने रविवार को होने वाला मेगा ब्लॉक रद्द किया। छुट्टियों में घूमने निकले यात्रियों को होगा फायदा। अगर मर्द की औलाद था तो नई पार्टी बनाता, चाचा की पार्टी नहीं चुराता। अजित पवार पर जमकर बरसे जितेंद्र अवार्ड। बिना अजित पवार की मर्जी के कोई सरकार नहीं बनेगी, एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा दावा। गृह मंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर बोले संजय राउत। टीम इंडिया के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट में भारत को हराया। न्यूजीलैंड ने 3-0 से क्लीन स्वीप के टेस्ट सीरीज में हरा दिया। बीजेपी नेता प्रदीप रामचंदानी ने एकनाथ शिंदे को कहा गद्दार। बयान में बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद छिड़ने के आसार। मुंबई को जल्दी ईएमएस परियोजना के तहत बाइक एम्बुलेंस मिलेगी। 108 एम्बुलेंस परियोजना आगामी महीनों में 5 चरणों में पूरे राज्य में लागू होगा। मातोश्री में बैग पहुंचाएगा उसे टिकट मिलेगा। उद्धव ठाकरे पार्टी के टिकट बेचते हैं नितेश राणे का। उद्धव ठाकरे गुट पर बड़ा आरोप। चुनावी मैदान में उतरे मनोज जरांगे। मराठवाड़ा की कुल 46 सीटों पर चर्चा जारी। दलित, मुस्लिम और मराठा समुदाय की ताकत के मुताबिक उम्मीदवार चुनने जा रहे। चुनावी हलफनामों में फर्जीवाड़ा विधायक असलम शेख का शिक्षा घोटाला आया सामने। 2009 में 12वीं पास थे, अब रह गए 8वीं पास। चुनावी हलफनामों में झूठी जानकारी। बीजेपी ने अजित पवार को किया ब्लैकमेल, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के गंभीर आरोप। न्यूजीलैंड ने मुंबई में रचा इतिहास। टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार। 91 साल पहली बार गवाई सीरीज। मेरा नाम दाऊद से जोड़ा तो केस कर दूंगा। नवाब मलिक का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने वालों को एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दे दी चेतावनी। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में तेज रफ्तार बोलेरो ने 3 बाइक और एक सड़क पर खड़े व्यक्ति को मारी टक्कर। मौके पर 5 की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल। मुंबई में सोने चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं। सोना हुआ 73,700, वही चांदी 97,000। एयरलाइंस को धमकी भरे कॉल और मेल करने वाले लेखक को नागपुर पुलिस ने किया अरेस्ट।